स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्मी बैंक शॉप एन सी सी कैडेट में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे जो बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में परिभाषाएँ पूछी जाती हैं, 5 नंबर की या 2 नंबर की। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है वेसिंग। एक समतल ज़मीन जो एक तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यह वह क्षेत्र जहाँ से एक नदी या उसके सहयोगी नदी बहकर आती है, उसे बेसिन कहते हैं। नंबर 2 पे आती है कोल या क्रिस्टल। एक ही पहाड़ी के दो चोटियों के बीच का समतल और दबी हुई जमीन या जगह को कोल कहते हैं। जब इस भूमि की ऊंचाई को चोटी से बहुत कम होती है तब उसे सैडल कहते हैं। नंबर 3 पे आती है क्रेस्ट। लंबी और दूर तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला के शिखरों के को मिलाने वाली उस काल्पनिक रेखा को क्रेस्ट कहते हैं। नंबर 4 पे आती है डेड ग्राउंड। दोनों ओर से उठी हुई जमीन के बीच दबा हुआ भूभाग को डेड ग्राउंड कहते हैं। नंबर 5 पे आती है डिफाइल। एक वास्तविक या मानव निर्मित फीचर जहां से जवानों को लाइन बनाकर निकलना पड़े तो उसे डिफाइल कहते हैं। नंबर 6 पे आती है ढलान। पहाड़ी के अत्यधिक तीव्र दुर्गम ढलान जो कि ग्राउंड लेवल से अचानक नीचे हो जाए तो उसे ढलान कहते हैं। नंबर 7 पे आती है नोल या टिल्ला। एक छोटी या अकेली पहाड़ी को नोल कहते हैं। पठार। पठार के ऊपर समतल भूमि को पठार कहते हैं। रिवाइन। नदी द्वारा गए उस गहरे और लंबे भूभाग को रिवाइन कहते हैं जो लंबी बंद घाटी रूप धारण कर लेता हो। इस पर उठी हुई जमीन जो कि पहाड़ से निकलकर मैदानों में जाकर मिल जाए सपर कहते हैं। गाइड रीडिंग। पहाड़ या पहाड़ी के साथ लगी हुई एक लाइन जिससे पानी उल्टी दिशा में बहता है उसे रिगाइड कहते हैं। आप देख रहे हैं जैसे चित्र के अनुसार, एक ये पहाड़ी है, ये अब ये पानी जा रहा है, पानी देखो यहाँ पर ऐसे मिल गया। वाटर शेड वायलान जो पानी के महत्व को अलग अलग नदियों में विभाजित करते हैं उसे वाटर शेड कहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं।